एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे और देख रहे होंगे कि आजकल व्लॉग बिल्कुल भी आने बंद हो गए हैं। तो रीज़न ये है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्लॉग जो है काफ़ी दिन पहले मैंने शूट किया था और हालात देख लो ऐसे हैं कि एडिट करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। और ये लोहड़ी जो सेलिब्रेशन, फर्स्ट लोहड़ी जो भैया दादी की थी, तो आपको पता ही है व्लॉग मैंने आपको दिए थे जो भाई की शादी के, तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी थी। तो ये सेलिब्रेशन चल रहा है, तो पहले खाने पीने का ये सुबह का है। जो सुबह जैसे ही उठे तो हलवाई लोग आ चुके थे, सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह हो रही थी। और ये देखिए हस्बैंड तैयार हो के आ चुके हैं ऊपर छत पे, यहाँ पे लग चुके हैं टेंट वेंट और हलवाई आ चुके हैं, सब प्रिपरेशन हो चुकी है। और किस्मत का जो बैड लक इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी के टाइम के, पूछो मत। क्योंकि मैंने ना इस दिन में काफ़ी, मेरे को ये था कि चलो एक स्टार्टअप मिल जाएगा। काफ़ी दिन हो गया व्लॉग शूट भी नहीं किया, मन भी थोड़ा ऐसा ही था क्योंकि नए घर में एडजस्ट करनी, वो भी इनकम्प्लीट हाउस में एडजस्टमेंट करनी बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी डैडी की फरमाइश थी और भाई की भी कि नहीं अच्छे से ब्लॉग बनाने हैं, तो उन्होंने सभी चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन करके बोला कि चलो ब्लॉग बनाने अच्छे से। मैंने सभी चीज़ें जो भी रिचुअल्स होते हैं सुबह से लेके शाम तक मैंने बहुत कुछ मैंने शूट किया, लेकिन किस्मत देखिए ये थी, जब होता है ना यहाँ पे कुछ पंजाब के कुछ इलाकों में होता ना यहाँ पे कि लोहड़ी जो बांटने जाते हैं घर घर पे, तो ये सब ये बांटने के लिए तैयार की जा रही है, ये टोकरा बांटने के लिए तैयार किया जा रहा है। और जो हमारी भाभियाँ ताइयाँ चाचियाँ सब मिलके लोहड़ी बांटने जाते हैं, वो सब कुछ मैंने कैप्चर किया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ फ़ोन में, मैंने ना इतनी भागम दौड़ी में ना मैंने बिल्कुल ही देखा ही नहीं कि मेरी फ़ोन की स्टोरेज का क्या हाल है। तो आई थिंक स्टोरेज फुल हो चुकी थी और सभी चीज़ें डिलीट हो गई। तो फिर भी सभी को ये एक्सपेक्टेशन थी कि चलो प्रीत तो बना ही रही है व्लॉग, तो उसी के व्लॉग से ही वीडियोस देख लेंगे। किसी ने शूट नहीं की और किसी ने शूट की, तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत मांग के चलो अपना व्लॉग जो है कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो बात नहीं बनी। मैंने शुरू से लेकर एंड तक सभी चीज़ें जो है, कैसे हम लोहड़ी के लिए तैयार हुए, कैसे सभी घर में, कैसे हमने मतलब सुबह से लेकर एंड तक सब कुछ मैंने कैप्चर किया था, लेकिन वो सब कुछ डिलीट हो गया। फिर भी चलो थोड़ी सा डीमोटिवेट हो गया, तो फिर भी मैंने व्लॉग तो चलो बना ही दिया। कुछ जो मेन पार्ट मेरे पास रह गया था और कुछ मैंने यहाँ पे आप किसी ने तो कुछ ना कुछ शूट किया ही होता है, तो मैंने इधर उधर से मांग तांग के मैंने अपना व्लॉग जो है कम्प्लीट कर दिया। अब ये रात का टाइम है, सुबह का भी मैंने किया था। अच्छा, और कई लोगों के ये भी सवाल हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि आजकल व्लॉग क्यों नहीं आते, और मेरे को पता है कि ज़्यादातर जो मेरे क्लोज रिलेटिव हैं वो ही मेरे व्लॉग देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो मैं स्पेशली उनके लिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। और हालात मेरे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि नए घर में और वो भी इनकम्प्लीट हाउस में, अभी किचन जिस दिन हम गए थे ना उस दिन ना किचन था ना
वॉशरूम था, मतलब बिल्कुल इनकम्प्लीट था, और ऊपर से जो जो रूम्स कंप्लीट थे उनमें से पानी टपक 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 रहा था, कि जैसे मतलब सीलन होती है ना प्लास्टर करने के लिए पानी काफ़ी सारा लगाना पड़ता है, तो वो सीलन थी। इस वजह से ठंडी में बच्चों को बचा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता है इनकम्प्लीट हाउस में ऐसे हालात में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एनीवेज चलो स्टार्ट तो हो ही गया है, और जब से आए हैं काफ़ी कुछ कंप्लीट हो भी गया है और धीरे धीरे आगे हो भी जाएगा। और टाइम जो है डिफ़िकल्ट जितना मर्जी हो वो निकल ही जाता है। तो गाइस चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस गाइस अभी फिर उसके बाद हम सुबह आ गए थे अपने ननद के घर, तो क्योंकि बासी में था जहाँ पे माइका मेरा जो है वहीं पे थोड़ी ही दूरी पे मेरी जो है ननद है, ननद के ससुराल हैं, तो वहाँ पे भी हम हो आए थे। तो और बस अभी आपको मिल रही हूँ मैं सुबह सवेरे, सुबह मैं हो चुकी हूँ रेडी, और नूर और युवराज को भी मैंने रेडी कर दिया है, लेकिन इनकी मस्ती कैरी ऑन है बिल्कुल। ये मतलब आजकल तो इन्होंने लड़ना इतना स्टार्ट कर दिया ना, इतना झगड़ते हैं ना, एक दूसरे को इतना मारते हैं, सबसे ज़्यादा शैतान है ये युवराज। युवराज बहुत ही ज़्यादा अपनी सिस्टर के साथ लड़ता है, और जो मारता है उसका मतलब उसके फेस तक हाथ नहीं पहुँचता तो एड़ी उठा के उसके चांटा लगा देगा, और वो भी बहुत चलाक है, वो हमारे सामने नहीं मारती, हमारे सामने बोलती कि नहीं छोटा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जब जैसे ही हमने इधर उधर मुंह किया वो भी लगा देती है एक आधी। तो बस गाइस आज की फिर उसके बाद हमने भाभी ने बनाए पराठे तो वो हमने खाए, और फिर हम निकल लिए अपनी ननद के घर पे। और गाइस अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और ये रही मैं, और गाइस आपको पता है जब यहाँ पे आना था ना तो मेरा बिल्कुल ही कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, एकदम से फटाफट से कपड़े निकाले और इतना हड़कंप मच गया ना कि जो मैं आने वाला व्लॉग भी मैं बनाना चाहती थी लेकिन नहीं बना पाई, क्योंकि एकदम से जो है पता भी नहीं चल रहा था कि कपड़े हमने जब हम शिफ्ट हुए थे कपड़े हमने कहाँ पे बांध के रखे थे, किस बैग में कौन से कपड़े पाए डाले हैं, मतलब याद ही नहीं था। और यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ अपने भाई की गाड़ी में, भाई छोड़ आए थे थोड़ी मतलब भाई छोड़ आए थे ननंद के घर पे, तो आगे ननंद के ससुर जी ने जो अंकल जी ने पिक कर लिया था, और बस यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो फोटोज़ वगैरह देख रहे थे शादी की, जो हम नहीं देख पाए मतलब काफ़ी आना हुआ ही नहीं और इनका भी नहीं आना हुआ, इतना ज़्यादा आए थे भागम भागी में, तो वो सब देख रहे थे। और यहाँ पे अभी भी यही था कि जल्दी जल्दी बस रवाना हो घर पे, क्योंकि बाद में जो है बस वगैरह लेट नाइट पे मिलती नहीं है, शहरों में तो चलो देर रात तक मिलते रहते हैं साधन, यहाँ पे नहीं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।